हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? तो कल जो है ना, मैंने आप लोगों के साथ अपना मॉर्निंग रूटीन शेयर किया था सुबह सुबह का, कि मैं क्या क्या काम फटाफट से कर लेती हूँ जब मुझे मशीन लगानी होती है, कपड़े धोने होते हैं तो। लेकिन आज जो है ना, नहाने के बाद का रूटीन आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। मॉर्निंग रूटीन ही है ये भी। तो अभी बस मैं नहा करके आई हूँ, मुझे हेयर वॉश करने थे। तो अभी हेयर वॉश करने के बाद मैं आ चुकी हूँ रूम में, क्योंकि बेडशीट तो मैं पहले चेंज कर चुकी थी, बट अंदर आने के बाद याद आया, पता नहीं कैसे जो है मैं पिलो कवर डालना भूल गई। और अभी मैंने पिलो कवर लगा दिए हैं, और निश्चय कि आज घर पे ही है, जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया ही था। और अपने नहाने से पहले है ना, मैंने निश्चय को नहला दिया था, क्योंकि वैसे डेली में वो खुद से भी नहा लेता है जब स्कूल जाता है तो। बट ये रहता है कि जिस दिन घर पे आओ, उस दिन मेरा मन होता है कि हाँ मैं नहला दूँ उसे थोड़ा अच्छे तरीके से। वैसे उसका मन था कि मम्मा मैं त्रिश के साथ नहाऊँगा, बट त्रिश के नहाने साथ नहाने से फिर वही होता है, मुझे त्रिश को नहलाना होता है, उसे संभालना होता है, तो उसके ऊपर उतना ध्यान नहीं दे पाती हूँ। तो मैंने उसे समझा बुझा के नहला दिया कि जब त्रिश नहाएगा तो कोई बात नहीं, गर्मी आप फिर से नहा सकते हो अगर आपका मन होगा तो। लेकिन अभी जो एक बार आपको मैं अच्छे से नहला देती हूँ। और यहाँ पे वो एक गेम खेलने लगा है मेरे साथ, माचिस की दो खाली डिब्बियाँ हैं और उनमें एक में इरेजर और एक में कुछ और डाल के बार बार मुझसे पूछ रहा है कि मम्मा ये क्या है, इसमें कौन सा है, इसमें कौन सा है। और हर बार जो है ना, मैं रॉन्ग आंसर कर रही थी, इसीलिए उसको इतना मज़ा आ रहा था खेलने में। तो बस पिलो कवर लगाते लगाते 5 मिनट के लिए निश्चय के साथ भी खेल ली होंगी मैं, तो उसको भी खुश कर दिया मैंने, क्योंकि उसके साथ देखो अभी त्रिश छोटा है तो खेलने वाला कोई है नहीं, तो बच्चे तो ऐसे ही छोटी छोटी चीज़ों में ही खुश हो जाते हैं कि हाँ मम्मा ने मुझे टाइम दिया, मम्मा मेरे साथ खेली है। तो यहाँ पे अभी मैं आ गई हूँ किचन में, और किचन में आज सब्ज़ी जो है ना बहुत ही झटपट से बनाने वाली हूँ, जो कि आप लोगों को दिखाऊंगी कि क्या बना रही हूँ आज मैं। कुछ सब्ज़ी है ना रात की रखी है, रात को कढ़ाई पनीर बनाया था तो वो रखा है, जो कि मम्मी जो है नहीं खाती हैं, तो इसलिए मुझे थोड़ी सी सब्ज़ी अलग बनानी पड़ेगी। तो यहाँ पे वही सब्ज़ी छोटने की तैयारी कर दी है मैंने, तेल डाल दिया है, हींग जीरा डाल दिया है मैंने, और बाकी के जो छोटे मोटे से मसाले होते हैं वो डाल दिए हैं टमाटर डालने के बाद, क्योंकि सिर्फ टमाटर में ही छोकूंगी सब्ज़ी को। और तो यहाँ पर जो है ना, अब केला काटने लगी हूँ, क्योंकि केला जो है साथ साथ ही कटेगा। मैं बना रही हूँ एक केले की सब्ज़ी, वैसे तो जो कच्चा केला होता है सब्ज़ी उसकी बनाई जाती है, लेकिन मेरे पास जब ये वाला होता है तो मैं इसकी भी बना देती हूँ अगर कोई सब्ज़ी समझ में ना आए तो। हालांकि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है केले की सब्ज़ी, मैं कभी नहीं खाती हूँ, मुझे केला ही पसंद नहीं है, ना मैं कच्चा खाती, ना मैं पक्का खाती, ना मैं सब्ज़ी खाती, मैं कुछ नहीं खाती हूँ केले का। बट यहाँ पर जो है ना खा लेते हैं, थोड़ी बहुत निश्चय भी खा लेता है, मम्मी तो खा ही लेती है, क्योंकि ये हो जाता है फिर एक आदमी के लिए और तो स्पेशल क्या बनाऊँ, और फिर वो खुद भी बोल देते हैं कि ना मेरे लिए तो क्या बनाएगी, वो तो ये कह रही थी कि दूध से दे दियो दो रोटी, मैं कहना दूध भी ले लेना साथ में, लेकिन केले की सब्ज़ी भी बना दूँगी। और एक मिनट लगती है फटाफट से, क्या देर लगनी है एक आदमी की सब्ज़ी के लिए। और यहाँ पर जो है ना, जो मैंने दही जमाई थी, दही को मैं निकाल लूँगी दूसरे बर्तन में, क्योंकि सब्ज़ी बनने में ज़्यादा देर ये लगनी नहीं है, बस एक उबाल आएगा और सब्ज़ी बनके तैयार हो जाएगी। तो साथ साथ खड़े खड़े अपने छोटे मोटे यही काम देखूंगी साइड में, सब्ज़ी के लिए स्पेशल तो यहाँ पे खड़े होकर टाइम वेस्ट नहीं कर सकती ना, तो इस तरीके से एक एक दो दो मिनट करके अपने बचाने पड़ते हैं। और सब्ज़ी छोड़ के अगर मैं बाहर, तो हो सकता है शायद कि मैं भूल जाऊँ रख के, तो इसलिए यहीं पे खड़े वाले अपने काम देख लूँगी। दही में जो है ना, मैंने नमक और जीरा मिक्स कर दिया है, क्योंकि अभी फ्रिज में रख दूँगी, ज़्यादा देर खाना खाने में है नहीं, एक दो घंटे बाद खाना खाना ही है, तो जब तक खट्टी नहीं होगी। हाँ, लेकिन कहीं बाहर दही लेके जानी हो तो फिर हम पहले नमक डाल के नहीं रख सकते। और बस सब्ज़ी तैयार होते होते बीच में ही जो है ना, ये बर्तन लगाने के लिए भी आ गई हूँ साइड में। और बर्तन तो चाहे सर्दी हो या गर्मी हो, बर्तन तो देखो जब किचन में आओ जब तैयार मिलते हैं, या तो सिंक में तैयार होते हैं कि हाँ भाई आओ और हमें साफ़ करो, वो आवाज़ लगा रहे होते हैं और साफ़ करके रखे गए हैं तो वो सूख जाते हैं बड़ी जल्दी गर्मियों में, तो फिर जो है ना उनको लगाने का एक काम होता है, क्योंकि ये काम शायद किचन में ख़त्म ही नहीं होता है मेरे हिसाब से। और ये देखो यहाँ पर जो है ना, बस अभी सब्ज़ी बनकर तैयार हो गई, तो मैंने इसमें डाल दिया ऊपर से कसूरी मेथी थोड़ी सी भून के डाल दिए, और केले अभी ऐसे लग रहे हैं थोड़े खड़े खड़े से, लेकिन अभी गैस बंद करके इसको छोड़ दूँगी, तो जो जब खाना खाएंगे तो एकदम सॉफ्ट ये सब्ज़ी हो चुकी होगी, बिल्कुल बढ़िया सी, मतलब घुटी घुटी सी हो जाएगी।
और सब्जी बनाते बनाते ही ना ये त्रिशको नहलाने का सामान भी मैं यहाँ पर रख गई थी, जैसे कि त्रिशको साबुन हुआ, शैम्पू हुआ, उसका बाथर हुआ, ताकि एक दो मिनट और भी अपने बचा सकूँ। तो इसी तरीके से बच्चों के साथ में छोटे छोटे काम करके बीच बीच में और अपने दो चार मिनट जो है बचाने पड़ते हैं, वरना अगर ढीलम ढील लगे रहो तो फिर काम जो है शाम तक भी नहीं निपटने वाला हमारा सुबह वाला। और मुझे ना बिल्कुल पसंद नहीं है कि मैं मतलब ढीला पूरा दिन काम करती रहूं। जिस दिन अगर मेरे साथ ऐसा हो जाए ना कभी, तो मुझे ऐसा मतलब थकावट फील होती है कि मेरा बिल्कुल मन ही नहीं लगता उस दिन, तो दोबारा काम करने का फिर मन नहीं करता शाम के टाइम का। तो यहाँ पर त्रिश को अच्छे से नहलाने की कोशिश करूँगी, नहला रही हूँ उसे। निश्चय को भी देखो मैं ही नहलाती थी और त्रिश को भी जो है ना मोस्टली मैं ही नहलाती हूँ। एक आध बार अगर मम्मी बाहर बैठी है यहाँ पर तो मैं मतलब पकड़ा देती हूँ कि नहला दो आप, लेकिन ज़्यादातर जो है ना ये काम मेरा ही होता है। तो अभी फिंगर्स के बीच में ना बच्चों के काफ़ी मैल हो जाता है जो कि दिखाई नहीं देता, तो इस तरीके से साबुन लगा के अच्छे से और उसको नहला दूँगी। अभी तक जो है ना मैं उसके लिए लिक्विड वाला यूज़ कर रही थी, बट अब मैंने उसके लिए ये वाला मंगा लिया है, अब मैं यही वाला यूज़ कर रही हूँ। और सारे के सारे प्रोडक्ट ना मोस्टली प्रोडक्ट, सारे के सारे नहीं बोलूँगी, जो मैं हिमालय के पसंद करती हूँ, मुझे हिमालय के प्रोडक्ट काफ़ी अच्छे लगते हैं, बट मुझे डायपर हिमालय का पसंद नहीं है। डायपर जो है मैं किसी और ब्रांड का यूज़ करती हूँ। और अगर कोई ये पूछना चाह रहा था मुझसे, मैं नाम भूल गई हूँ, कि आपका बेटा 6 महीने से ऊपर का हो गया है क्या, आप उसे क्योंकि कुछ खिलाने लगे ऊपर का, तो नहीं, मेरा बच्चा अभी 6 महीने का कंप्लीट नहीं हुआ है, 5 महीने का है, बट वो भूखा रहता था क्योंकि दूध की कमी की वजह से, तो नहीं देखा जाता बच्चा ऐसे बिना वजह रोता हुआ। और कहते हैं कि जब बच्चा खाली मतलब भूख के मारे ऐसे रोता रहता है तो फिर उसे भूख लगनी बंद हो जाती है, क्योंकि उसे आदत हो जाती है भूखा रोने की और भूखा रहने की। तो इसलिए जो है हमने उसका शुरू कर दिया। और इस पाथर में नहाने में ना वो इतना मतलब खुश होता है, इतना खुश रहता है, टांगे देखो कैसे चल रही है खुशी के मारे, जैसे पानी डालोगे वैसे ही खुश होके नीचे फिसल जाएगा पैर चला चला के। और ये निश्चय के तो पूरे मज़े आ रहे हैं आज कि हाँ भैया के साथ पूरा टाइम जो है ना मम्मा स्पेंड करने का आज ही मुझे मौका मिला है क्योंकि पहले तो जो है ना छोटा था, कुछ एक्टिविटी नहीं करता था, अब उसकी तरफ देखता है, उससे बातें करता है, हूँ ऐसे ज़ोर ज़ोर से चिल्लाएगा, तो निश्चय को काफ़ी मज़ा आता है। तो यहाँ पर जो है ना मैं सबसे पहले थोड़ा सा पाउडर लगाने के बाद मैं उसके ईयर्स के अंदर जो है ना तेल लगा दूँगी, नारियल तेल जो होता है ना वो थोड़ा थोड़ा लगा देती हूँ मैं उसके कान के अंदर, क्योंकि मेरे दोनों ही बच्चों में ऐसा है, ये अपने पापा पे ही गए हैं, इनकी स्किन बहुत बहुत ज़्यादा ड्राई है, सर्दी नहीं गर्मी में भी बहुत ड्राइनेस रहती है इनको, तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि छोटे से ही थोड़ा सा इसको तेल वेल लगा के इस तरीके की स्किन कर दो इसकी, जो नॉर्मल सी स्किन हो जाए। तो जब से पैदा हुआ है ना तब से ही मैं कर रही हूँ, और अभी मैंने पतली सी जो अपनी बनियान होती है और पतली सी कॉटन की शर्ट निकर इसको पहना दिया है, क्योंकि गर्मी की तो आपको पता ही है कि दिल्ली की गर्मी बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो गई है, बहुत ज़्यादा, जैसा जून के टाइम पे गर्मी होती है ना उस टाइप की गर्मी अभी चल रही है। और अभी एक और गुड न्यूज़ है कि त्रिश ने अपने हाथ में टॉय पकड़ना शुरू कर दिया है, पकड़ता थोड़ी ही देर के लिए है, लेकिन पकड़ के उसको देखता है, उससे भी बातें करता है, क्योंकि बच्चे के हाथ में तो आप जो भी दे दो हर किसी चीज़ से उसको बातें ही करनी है ये और फेस पे भी जो है ना मैं हिमालय की जो क्रीम आती है वही यूज़ करती हूँ, और काफ़ी सॉफ्ट स्किन रहती है इससे। पहले जो स्टार्टिंग में है ना 1 महीने तक शायद मैंने इसके फेस पर कोई क्रीम नहीं लगाई थी, तो लेकिन जब से मैं लगाने लगी हूँ ना मुझे स्किन में काफ़ी मतलब डिफरेंस लगा। ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, जब उबन को काजल लगा के कितना गंदा गंदा मुंह बनाया है। क्या हो गया? तो देखा आपने कैसे हंसता खेलता बच्चा एकदम से कैसे रो रो के शिकायत कर रहा है हूँ, और वो इसलिए कि मैंने उसको काजल लगा दिया, हालांकि ना तो उसने काजल अच्छे से लगवाया, बीच में ही मेरे हाथ पकड़ लिए, लेकिन उसको बड़ा गुस्सा आता है जब उसकी आईज़ में काजल लगता है, तो ये रीज़न है कि मैं उसको काजल नहीं लगाती हूँ, क्योंकि काजल के लिए बच्चे को है ना हर कोई टोक देता है, हर कोई कि आप काजल नहीं लगाते तो यही रीज़न है, उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, रोता ही रोता है जब उसे काजल लगता है। तो
उसको नहला धुला के मैंने फ्री कर दिया है, और नहाने के बाद जो है ना वो सोता कम है और खेलता ज़्यादा है, तो निश्चय है उसे संभालने के लिए निश्चय के साथ वो खेल लेगा। बैठ के दोनों तीनों साइड जो है ना पिल्लो लगा देते हैं और वो आराम से खेलता रहता है, क्योंकि आजकल जो है वो पलटी मारने लगा है, पलट के दूसरी साइड पहुँच जाता है। और रात को तो आप पूछे ही मत, क्योंकि मैं भी पूरा दिन की थकी हुई होती हूँ, ऐसी नींद मुझे आती है कि वो पलट के अपने पापा वाली साइड में चला जाता है। बिल्कुल मतलब सरकना नहीं सीखा है कि अभी उल्टा हो के और सरकने लग जाए, नहीं, लेकिन पलटी खा खा के, पहले एक पलटी खाएगा फिर सीधा हो जाएगा, फिर पलटी खाएगा, फिर ऐसे पलटी खा खा के वो चलने लगा है। तो अभी ना मुझे कुछ कपड़े प्रेस करने थे, निश्चय के जो घर के कपड़े होते हैं वो भी, और जो यूनिफॉर्म होती हैं वो भी, दोनों ही चीज़ें प्रेस करनी थी, क्योंकि घर के कपड़ों में ना निक्कर वगैरह पे तो उतनी मुझे नहीं लगता कि इन पे नीड है, बट जो टी शर्ट्स होती है ना वो नीचे से मुड़ी मुड़ी से हो जाती है अगर उनको दो तीन बार पहनने के बाद, मतलब धुलने के बाद और प्रेस ना की जाए तो। रोज़ की रोज़ तो मैं प्रेस नहीं करती घर वाले कपड़ों पे, मैंने आपको बताया है पहले भी, लेकिन हाँ कभी कभी जो है ना मारनी पड़ती है, वरना जो कॉलर होती है या गले होते हैं ना ऊपर से वो गंदे गंदे से लगने लगते हैं। तो आज नंबर था निश्चय के टी शर्ट्स पे प्रेस करने का, और इसके पापा के कपड़े जो है ना कल शाम को ही मैंने सारे निपटाए थे, तो उनका तो मुझे आज कुछ भी प्रेस नहीं करना है, और उन्हीं के कपड़े थोड़े बड़े बड़े से लगते हैं, तो फटाफट से प्रेस हो जाएगी, प्रेस का भी कोई ज़्यादा काम नहीं है, लगभग लगभग अगर मैं आपको कहूँ तो 20 मिनट के अंदर अंदर प्रेस हो जाएगी। वो इसलिए क्योंकि इसके बीच में मुझे एक दो सूट जो है अपने भी प्रेस करने हैं। अच्छा, और अभी ना आपको वॉइस ओवर में पेज पलटने की आवाज़ आ रही होगी, तो एक्चुअली आज जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ मॉर्निंग में, ये वीडियो आप तक आएगा तो निश्चय का टेस्ट है स्कूल में, तो उसी की तैयारी मैं साथ साथ करवा रही हूँ, उसको टेस्ट के लिए डाल के दे रही हूँ, और वो जो है मुझे टेस्ट देगा अभी, ताकि उसकी अच्छे से तैयारी हो जाए। तो वॉइस ओवर करते करते भी अपना एक और काम जो है ना साथ साथ में किए जा रही हूँ, क्योंकि स्पेशल लेके किसी भी काम को बैठने का मेरे पास टाइम नहीं होता कि, और जैसा कि मैंने आपको बताया मेरा मन भी नहीं लगता ऐसे कि मैं एक ही काम को लेके बैठी रहूं। और जब मैं वॉइस ओवर करती हूं ना, सच बताऊं आपको, तब भी मैं कुछ ना कुछ काम करते करते ही कर लेती हूं, चाहे मैं अपने हाथ में सब्जी लेके बैठूं कि मुझे अपनी सब्जी काट लेनी है, और साथ साथ बोलती जाऊँगी, मेरी वॉइस ओवर भी हो जाएगी। इस तरीके से मैं करती हूं अपने काम। और लास्ट वीडियो जो मेरा आया था कल का, उसमें आपने देखा ही था कि नहाने से पहले का मेरा रूटीन क्या रहता है, उसमें मेरे क्या क्या काम निपट जाते हैं, और आज की वीडियो में आप देख रहे हो कि नहाने के बाद का मेरा क्या रूटीन रहता है, क्योंकि मैं नहा चुकी हूँ और उसके बाद के ही सारे काम जो है ना आज आप लोगों को मैंने दिखाए हैं। हाँ, प्रेस का काम मेरा रोज का नहीं होता, प्रेस किसी दिन करनी होती है, किसी दिन नहीं भी करनी होती है, तो फिर इस टाइम पे और भी बहुत सारे काम हो जाते हैं जो कि मैं अब इसके बाद निपटाऊँगी, जैसे कि जो पार्सल जाने हैं मेरे सूटों वाले चैनल के, आपको पता ही है मेरा एक और सूटों का चैनल है, तो वो पार्सल मुझे पैक करने होते हैं, उनका एड्रेस मुझे लिखना होता है, पार्सल पैकिंग करने के बाद वो भिजवाने का काम होता है कि हाँ पार्सल भिजवाने हैं, और अगर सूट नए आए हैं तो उनकी फ़ोटो क्लिक करके मुझे स्टेटस पे डालनी होती है, ये वाले काम होते हैं। जो जो ऑर्डर आया है उनकी पेमेंट किन की आ चुकी है, किन की रहती है, वो सब जो है ना लिखना होता है। तो इसी तरीके से एक हाउस मेकर होने के साथ साथ अपना जो छोटा सा बिजनेस है उसे भी संभाल लेती हूँ, और दो छोटे बच्चे हैं उनको भी संभालना होता है, तो सारी चीज़ें एक ही साथ में मैनेज करना थोड़ा सा कठिन है, लेकिन इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है अगर करना चाहो तो। ऐसा ना तभी पॉसिबल हो पाता है जब आप बाहरी दुनिया से थोड़ा अलग हो जाते हो, मतलब कि ऐसे लोगों की संगत आप छोड़ दो कि हाँ उसने ये बोला, फलाने ने ये बोला, ढिमकाने ने ये बोला, जब इन चीज़ों में ज़्यादा टाइम वेस्ट हम करने लगते हैं ना, तो फिर हम अपना कुछ भी पर्सनल नहीं कर पाते। तो मैं इन सब चीज़ों से थोड़ा दूर रहने की कोशिश करती हूँ, और ना मेरे पास टाइम होता बिल्कुल भी, मैं अपने काम टाइम पे निपटा लूँ, बस मेरे लिए पास उतना ही टाइम होता है, किसी के भी पास जाने का या जाकर के बैठने का और उससे बातें करने का, इसने ये बोला, उसने ये बोला, वो ये कह रही थी, वो ये कह रही थी, ये सब चीज़ों का मेरे पास टाइम नहीं होता। और अगर हाँ कोई सामने वाला बोले ना, तो भी मेरा उनके किसी के भी साथ मतलब बोलने का मन नहीं होता, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर कोई किसी ने
मतलब किसी को भी एक्स वाई जेड कुछ बोल दिया और सामने वाले ने नहीं जवाब दिया, तो शायद उससे अच्छा इंसान कोई हो ही नहीं सकता मेरे हिसाब से। क्योंकि सहन शक्ति भी जो है ना एक संस्कार ही माने जाते हैं, सहन करना भी किसी किसी के बस की बात होती है, हर किसी में ये चीज़ नहीं होती। और अगर आपने उसी तरीके का बिहेवियर किसी के भी साथ कर दिया तो फिर ये होता है कि सामने वाले बंदे में और आप में क्या डिफरेंस रह गया, है ना। उसने भी गवारपन दिखाया और आपने भी दिखा दिया, तो आप में और उसमें कोई भी फ़र्क नहीं रह गया। तो इन सारी चीज़ों को छोड़ छाड़ के और लाइफ में जो भी करना है आपको, तो देर किसी भी चीज़ की नहीं हुई है, क्योंकि कुछ भी अच्छा करने की कोई उम्र नहीं होती और आप अपना शुरू कर सकते हैं। जो भी आपका इंटरेस्ट है, जो भी आप करना चाहते हैं, तो आप अपने कामों की शुरुआत कीजिए, लाइफ को आगे बढ़ाइए और सब कामों से दूर रहिए जैसे कि मैंने आपको बताया है। तो आज की जो वीडियो है यहीं पे एंड करती हूँ। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर ज़रूर कर देना, और चैनल पर अगर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। बाय बाय, टेक केयर।